निकला था मैं फर्शे अज़ा तक
الذي ليس ليس فيه شهادة معدودة ولا نحن موجود ولا وقم معدود ولا وجه ممدود فضر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور مجدانا ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي التهي التهامي أصله وسيل وفرعه طبيب وكنبه جليل وقلبه عظيم المؤمن الحق بالحق الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
कौन पुत्र का तुम से दूर रहो कि जो उसके नामों में इल्हाक करते हैं। सयुज़ौना माकानु यअमलून, और ये जो इल्हाक करते हैं उसके नामों में, यान गरीब अपने आमाल की सजा पर बहुत पाने वाले हैं। अल्लाह ने इस आयत के अंदर एक अमर और एक नहीं फरमाई कि जब भी अल्लाह को बुलाओ तो बेहतरीन नामों से, और उसके नामों में किसी तरह का कोई इल्हाक पैदा ना होने पाए। इल्हाक का क्या मतलब? अल्लाह के नामों में ये मुलहजाना ख्याल कहाँ से हो सकता है? इसका मकसद यह था कि जो अल्लाह के खास नाम है उन नामों को किसी और के हवाले न करें। जब भी बुलाओ अल्लाह को जो उसने अपने नाम बताए हैं उनके जरिए, और उसमें अपनी तरफ से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। क्यों कहा था ये बताए? जो जमाने में जमाने चाहिए कहलाता है, तीन बड़े खुदा थे जो अल्लाह के अलावा अपनी खुदाई का सिक्का अनजाने तौर पर चला रहे थे, और उनके चाहने वाले उनके आगे सजदे किया करते थे, उनकी इबादत करते थे, उनकी परस्तिश करते थे। और जो नाम दीन इब्राहिमी में हजरत इब्राहिम से ईसा और मूसा तक मुंतकिल होते रहे अल्लाह के, उन नामों को इनके हवाले कर दिया करते थे अरब के जाहिल बतू। और अल्लाह का एक नाम जो इलाह है, जिसको हम कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, उससे मुंतसिब करते हुए, उससे मंसूब करते हुए, उसमें इल्हाक पैदा करते हुए उन्होंने अपने के खुदा का नाम रखा ला, क्योंकि ये इलाह था लिहाजा उसको ला बनाया। अल्लाह का एक नाम अजीज था, कुरान करीम में भी मुतअद्दिद मर्तबा उसने तकरार की है, वहुवल अजीजुल गफूर, के वो अजीज भी है गफूर भी है। मुल्हिदाना ख्याल के अफराद ने उसमें भी इल्हाद किया और अजीज से एक खुद साख्ता खुदा बनाया जिसका नाम रखा उसका खुदा करे कि मैं वहां तक आपको ले जा सकूं जहां पर ले जाना चाह रहा हूं। एक और खुदा उस जमाने में पाया जाता था जिसका नाम तारीख अरब ने मनात लिखा। यह मनात अल्लाह के एक सिफत और अल्लाह के एक नाम मन्नान या मुनइम से मुश्तक करके अपने बनाए हुए खुदा को दिया, और चूंकि वो मन्नान था इनको मनात बना दिया। अल्लाह के मुकाबले में तीन अल्लाह बनाए गए, खुदा के मुकाबले में तीन अफराद खड़े किए गए जिनकी सफात और जिनके करामात अल्लाह से मंसूब करके अल्लाह को घर बैठा के उन्हें अल्लाह बनाया गया। अल्लाह ने कहा कि देखो ये जो करके गए हैं पैगंबर से पहले आए वाले अफराद, ये वास्ता तुम इख्तियार न करना, उन्होंने जो किया वो करते रहे, तुम्हारे ऊपर ये वाजिब है कि जब अल्लाह को बुलाओ तो अस्माए हुस्ना के जरिए बुलाओ, बुला तो मना तो गुस्सा को छोड़ो, अल्लाह को बुलाओ कि उसके लिए बेहतरीन बेहतरीन नाम। और जिन्होंने ऐसा किया है जो करने वाले हैं उसकी जजा पाएंगे, यानी उसकी सजा पाएंगे जो इन्होंने किया। अब मैं यहां से आपकी तवज्जो चाहता हूं और यह इम्तिहान भी होगा आपके समाज का कि तीन रोज तक मुझे आपको क्या सुनाना है। नाम के लिए, इस्म के लिए अल्लाह की शरीयत में, इस्लाम में कानून यह है कि बेटे का पहला हक बाप के ऊपर यह है कि उसका बेहतर नाम रखा जाए। बेटे का पहला हक यह है कि उसका बाप उसका पहला नाम रखे, और बाप पे ये फर्ज है कि वो बच्चे का बेहतर नाम रखे। लिहाजा इसीलिए हदीस में आया कि अपने आने वाले बच्चों के नाम उनके दुनिया में आने से पहले तय कर लो, इसलिए खुदा ना करे कि वो बच्चा अगर दुनिया में ना आ सका और सिफ्त हो गया, दुनिया से चला गया, तो वो कयामत पर शिकायत ना कर सके कि मेरे अल्लाह मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। लिहाजा वाहिद हुआ है हदीस में कि पहले से आप नाम सेट करके रखें कि हमारे यहाँ जो औलाद होगी उसका नाम ये रखें। अब आप सवाल कर सकते हैं भाई हमें क्या मालूम कि बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है? उसका तरीका भी आले मोहम्मद ने बताया, कर्ज कर लो कि बेटा होगा तो नाम मोहम्मद रखूंगा, बेटी होगी तो नाम फातिमा रखूंगा, या जो भी तुम नाम रखना चाहते हो पहले से मुआहदा कर लो। और याद रखने वाले आप में आया कि तुम पहले से अगर ये तय कर लो कि तुम अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखोगे तो अल्लाह बरकत तुम्हारे घर में भेजेगा, फिर सात दिन तक तुम उसका नाम मोहम्मद रखना, बाद में जो बदल के करना चाहते हो वो कर लेना। सात दिन तक अपने बेटे का नाम मोहम्मद
किसी मोमिन की जबान से अल्लाह हो सकता है उसके कलामात को शर्फ कबूलियत अदा कर दे और यह अब्बास का फैज बन जाए। नाम रखने का यही तो मकसद होता है ना कि ये दुआ बन जाए। अली नाम देते हैं लोग क्यों? इसलिए कि ये अली से मोहब्बत करता है। ये जब अपने बच्चे का नाम अली रखेगा तो मुमकिन है शुजात अली यहां पर आ जाए, शायद इल्म अली की कुछ झलकियां दिखाई देने लगे, शायद अली के सवाल इसके अंदर कुछ आ जाए, कुछ आए ना आए कम अज कम होने बन जाए, शायद ये बन जाए कुछ होगा। यानी यानी जो नाम रखा जाता है उसकी सफात को इसके ऊपर आरिस करने के लिए नाम रखते हैं। मेरे अल्लाह तेरी जो सफात है वही तेरी जात है, जो तेरी जात है वही सफात है, ना तेरा कोई बाप है ना
مقصد ہے خلقت کائنات محمد ہے. ادھر خیال آیا آواز آئی لولا کا لما خلقت الافلاق. محمد جو سوچ رہے ہو وہ صحیح ہے. اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. لما خلقت میں اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا, کچھ نہ خلق کرتا. پیغمبر مسکرا رہے تھے آواز آئی لولا علی لما خلقت. محمد خیال ہے
کہ جب فرشتوں نے اعتراض کیا نہ ہمیں مصب ہو پر مقدس اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں اس کو بنایا جب آواز آئی نی عالم مالک عالم ہزاروں مرتبہ سنا ہوا تو پھر کیا کہا کہ میں یہ بھی نام بتائیں گے وہ بھی نام بتائیں گے تو سوال یہ ہے کہ سکھایا کب گیا فرشتوں نے کہا کہ ہمیں وہ اتنا پتا ہے جتنا تم نے بتایا اس کے علاوہ لائم والنا علم عالم ترا جتنا تم نے بتا دیا اتنا معلوم ہے آدم سے کہا تم بتاؤ آدم نے فرفر پڑھ کے سنا دیا یہ کیسے سنا دیا اللہ کہتا ہے وعلم آدم الاسماء ہم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی نحن اسماء اللہ نحن اسماء اللہ للہ اسماء الحسنا اللہ کے لیے بہترین نام ہے اللہ کہتا ہے وعلم آدم الاسماء آدم کو اسماء کی تعلیم ہم نے دی اس لیے تو آپ سنتے ہیں نا کہ جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو والی میں دیکھے یہ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ آدم اکیلی ایسی فرد ہے جس کو ڈائریکٹ اللہ نے پڑھایا ہے وعلم آدم الاسماء اللہ نے آدم کو تعلیم دی اسماء کی وہاں پر کہا ہم بے ہوں جو تمہیں پڑھایا تو وہ سنا دو جیسے یہ کہا تو سنایا کیا سنایا تھا کہ میرے مالک تو محمود ہے یہ پہلا نور محمد کا ہے ابھی تو موجود ہے محمد زمین پہ آیا نہ تھا اور آدم کہہ رہے ہیں کہ تو محمود ہے یہ محمد ہے تو والا ہے یہ علی ہے کہ
ना होती अगर अली ना होता, जैसे मरियम की शादी ना हुई क्योंकि कोई कफो ना था, मरियम के जमाने में कोई मासूम ना था, लेकिन मरियम की शादी ना हो सकी, क्या अगर मेरा दादा अली ना होता तो आखिरी नबी की बेटी भी मरियम की तरह से होती। वो तो अली का एहसान है कि फातिमा का कफो बन गया, और फिर जब कष्ट किया मोहम्मद मुस्तफा ने सलाम भेजे मोहम्मद, साहब ऐसा ना पड़े एक और सलवा भेजो मोहम्मद, बालू भाई बड़े गौर से देख रहे हैं, एक और सलवा भेजो मोहम्मद। मैं क्या कफो ना मिलता तो शादी ना होती, पैगंबर ने कष्ट किया कि फातिमा की शादी की जाए, आने लगे बहरू किए मोहम्मद मुस्तफा के पास, फातिमा की शादी हमसे कराइए, फातिमा की शादी हमसे कराइए। बहुत बड़ा एक नाम है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, हजरात सुनते रहते। आने के बाद कहता है नबी खुदा मैंने सुना है कि आपने कष्ट किया कि सहरा की शादी कर दे, पैगंबर ने कहा हर बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए, मगर पहले बराबरी का मिले तो सही। भाई अगर बेटी की उम्र निकल रही है इसका मतलब ये थोड़ी है किसी भी अरब अरब को दे दिया जाए, तो यकीनन हर बाप की ये फिक्र होगी। कहा मोहम्मद मुस्तफा नबी खुदा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए। पैगंबर खामोश, पहले आप कह दीजिए कि मैं बाद में जवाब दूं। पैगंबर खामोश, आप मुझसे शादी कर दीजिए, अगर आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी तो मैं आपकी बेटी को बड़े शान शौकत से रखूंगा। पैगंबर ने कहा अच्छा क्या करोगे? कहा बेटी को छोड़िए, मैं तो आपको भी शान शौकत से रखूंगा। पैगंबर की त्योरियों पर बल पड़े, माथे के ऊपर बल पड़े, कहा कि अच्छा क्या करोगे? नबी खुदा अगर फातिमा की शादी मुझसे हो जाएगी 1,00,000 दिरहम आपको दूंगा, और 100 यमन के लाल ऊंट दूंगा, सुर्ख ऊंट। ये उस जमाने में ऐसे था जैसे नोएडा के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको दूंगा, 100 सुर्ख ऊंट दूंगा यमन के, और जिन पे यमनी रेशमी कपड़ा पड़ा होगा। पैगंबर अभी तक खामोश थे, लेकिन अब पैगंबर ने अपने मिजाज को बदला। वो जो अखलाक का खुदा था, जो मकान में अखलाक को कामिल करने आया था, जिसके अखलाक की कसम खुदा ने खाई, उसने एक मर्तबा ये दिखाई तो बह रहा है, ये तो मुझको अपने जैसा समझ रहा है, ये अपने को मेरे जैसा समझ रहा है, एक मर्तबा जमीन पे हाथ मारा, और कुछ अंग्रेजों ने ये चाहा कि पैगंबर के दस्त मुबारक का बोसा ले लें, मुट्ठी को खोल दे।
ہونے کا بن چکا ہے. سے تو دونوں
सस्ते में गिर गए। हो सकता है किसी के सहन में सवाल आ जाए कि फरिश्ते से कैसे गलत फहमी हो गई, फरिश्ते तो मुबर्रा मनुष्य होते, गलतियों से खताओं से इनसे कैसे गलती हो गई। मैंने कहा जब खलीफा बनने की गलती हो सकती है, जब खिलाफत मिलने की गलत फहमी हो सकती है, तो फिर जहरा को नूर खुदा समझने की गलत फहमी क्यों नहीं हो सकती। वो जहरा है, वो चमकता हुआ सितारा है, और जहरा है इस वजह से तो मान कर दूंगा वो जहरा है आसमान पे भी, जमीन पे भी। जहरा आसमान पे इसलिए है कि फरिश्ते मजबूत होकर सजदा करने लगते हैं। पैगंबर कहते हैं कि मैं डर गया इस नूर को लेके, नूर फातिमा को लेके। तो कहा तो उस दिन थी जहरा, एक आम रजा से किसी ने पूछा कि तुम्हारी माँ को जहरा क्यों कहते हैं। कहा इसलिए कि जब यह मेहराब में जाती है इसके चेहरे से ऐसा नूर जाते होता है आसमान तक जाता है जमीन से, इसके नूर से जमीन और आसमान मुनव्वर हो जाते हैं। चांद इसके चमार से नूरानियत लेता, सूरज इसके चराग से अपने को रोशनी हासिल करता है। फातिमा तुम्हें समझ में नहीं आ सकती, इसलिए कि फातिमा की मिसाल शबे बद्र की है, और शबे बद्र के लिए कानून होता है वमा अदराके मा लैलतुल क़द्र। तुम कह रहे हो कि शबे बद्र क्या है, जैसे तुम शबे बद्र को नहीं समझ सकते हमारी दादी फातिमा को भी नहीं समझ सकते। जिस दिन शबे बद्र समझ में आ जाए उस दिन तुम्हें फातिमा समझ में आ जाएगा। और खुदा कसम जिनको समझ में ना आया, इमाम नहजुल फलाह में फरमाते इंसान उसका दुश्मन होता है जिसे नहीं पहचानता, इंसान दुश्मन होता है उसका जिसे वो नहीं पहचानता। और हमने इस कौल के मिस्ताक को बाद वफात रसूल खूब महसूस किया कि इधर खादिमुल अंबिया की आंखें बंद हुई, फखरे कायनात है मोहम्मद मुस्तफा जिसके दरवाजे पर जिब्राइल और मीकाईल आके रोटियां मांगते हो, इज्जत लेते हो मौत के फरिश्ते, और फातिमा अगर ये इज्जत ना दे तो तीन दिन मुसलसल मौत मौकूफ रहती है। ये है दरस की अदा। मगर इधर पैगंबर ने आंखों को बंद किया, मुसलमान आग उलटने ले गए उस महबूब हस्ती की बेटी के दरवाजे पे आ गई, और आगे कहते हैं कि अबुल हसन को बाहर निकालो तो मैं घर को आया। कसम आप मजारे सुनते रहे, आपके अंदर एक कर्ब है जहरा की मुसीबत को ले, मगर सुनने से ज्यादा पढ़ने में कर्ब होता है। किसी वाइस से किसी खतीब से पूछिए जब वो जहरा के मसाले पढ़ता है तो घुट घुट के कैसे रोता है। रोना इस पे नहीं आता कि उसकी पसलियां तोड़ी गई, रोना इस पे नहीं आता कि उसका बच्चा शहर में शहीद हो गया, रोना इस पे आता है कि जिसका इतना मर्तबा था, जिसका इतना बड़ा मकान था कि कायनात उसके सदमे में खल्क हुई, उसके दरवाजे पे वफात के बाद पैगंबर की फातिमा के करिंदे रोते हुए जहर फातिमा पे आए, कुल बात किया, जहरा ने फिजा को भेजा दरवाजा खोला जाए, अली घर में है, करिंदे घर में आए, या अली हुकूमत ने हमें फदक से निकाल दिया, हुकूमत ने हमें फदक से निकाल दिया। फातिमा कहती किसने निकाल, फदक का वजीरा ये था कि फदक फातिमा का हक था, और टंके की चोट पे कहते हैं कि फातिमा का, लेकिन फातिमा की कराम